दीपक का कॉल आया था, तो वो घर के लिए बड़ा चिंतित था। वो कह रहा था कि मेरे को मकान बनाना है। मैं कहा भाई तू मकान में तो रह रहा है, घर बना। तो कह रहा है चलो मैं, कह रहा मैं कोशिश करता हूँ। मैं कहा तू कोशिश कर, हम तेरे साथ हैं, तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कुछ समस्या ही बताइयो। कह रहा चलो ठीक है। तो वो अपने डेफिनेटली मकान अपना घर तो होना ही चाहिए, अब उनको बना लेना चाहिए, बच्चों को देखते हुए बना लेना चाहिए। और भाई आप वो 50-52 साल की उनकी एज होगी, तो मेरे को लगता है कि उनको अब आगे फ्यूचर के लिए अपना घर बना लेना चाहिए। तो मैंने उसे समझाया, मैं कहा हमने समय रहते ही अपने घर को हमने टाइम से बना लिया। आज हम जिस घर में रह रहे हैं, हमें उस घर के अंदर हमारा पूरा परिवार रहता है, हम इतने सुकून से रह रहे हैं कि हमें बड़ी शांति मिलती है। तो अच्छे घर के अंदर हम रहते हैं एक परिवार के साथ, बुजुर्ग भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, काम से थके हारे आते हैं, तो हमारे को एक उसके अंदर बड़ा आनंद आता है। तो हम काम तो सारी जिंदगी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, एक के आगे जीरो लगा रहे हैं, जीरो लगा रहे हैं, मकान जैसी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम कम ध्यान दे पाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भी जो लोग भविष्य के अंदर घर बनाने में देर करते हैं, तो उन्हें जो है वो अपने समय रहते इस काम को अपनी लाइफ के अंदर जल्दी कर लेना चाहिए। और हम इस मकान को बनाने के बाद आज COVID-19 का जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें 2 महीने हमारे कैसे बीत गए हमारे को पता ही नहीं लगा। और 2 महीने के अंदर हमारे को पूरे घर के अंदर जो है हमने जो आनंद लिया है सुखी जीवन का, सुबह का, दोपहर का, शाम का, बच्चों के साथ खेलना, बड़ा आनंद लिया है। पूरा दिन बड़ों का, बच्चों का ध्यान रख के इतना अच्छा लगता है कि उनके लिए नई नई चीजें बनाने को मिलती हैं, नया एक्सपोजर मिलता है कि जो चीज कभी करी नहीं वो अब कर रहे हैं। पूरा एक रूटीन सेट होता है, शाम को होता है कि चलो बच्चों के साथ ऊपर चलते हैं, साथ में सब बड़े भी चलते हैं, सब मिलजुल के बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस लॉकडाउन के दौरान अगर हमारे पास ये घर इस इतनी एमिनिटीज के साथ नहीं बना हुआ होता, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होती हमें ये 2 महीने इस घर में बिताने में, और अभी आगे भी पता नहीं कितना टाइम और बिताना पड़ेगा इसी लॉकडाउन के अंदर। तो घर तो जो है समय रहते हुए सबको बना लेना चाहिए, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई बहुत उसके अंदर पैसा आप स्पेंड करो, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना कर सकते हो अपना घर होना चाहिए। मैं तो विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा समय रहते हुए अच्छा घर बना के दे दिया उन्होंने हमें। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू विवेक सर। अपना घर तो अपना ही होता है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, नमस्कार।